हेलो फ्रेंड, आज हम 54 लेग की जो आईसी है उसको रिप्लेस करके लगाना सीखेंगे, जो कि आप अब वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, पहले मैं उसके ऊपर अब पेस्ट लगाया है और उसके बाद मैंने हीट गन से आईसी निकाल के उसको अच्छे से क्लीन करके बाद में फिर उसी को लगा के आपको दिखाऊंगा कि आईसी ज़्यादा लेग अगर रहते हैं आईसी में तो वो वैसे लगाया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर। अभी क्या करना है, एक से दो मिनट तक आईसी को हीट करना है। उसके बाद आईसी को थोड़ा सा हम बाजू के साइड में पुश करेंगे तो ऐसे हमारे आसानी से बाहर निकल आएंगी। आपको एक से दो ही मिनट उसको हीट करना है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करते हैं तो ऐसे डैमेज हो सकती है और हमारा जो मदरबोर्ड है वो भी ख़राब हो सकता है। अभी देखिए, अभी ऐसे पूरी तरह से हीट हो चुकी है। ट्वीज़र की सहायता से हम उसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश कर देंगे तो हमारे आईसी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। दोनों साइड पेस्ट लगाने के बाद उसको एकदम हल्के हाथों से सोल्डरिंग वायर की मदद से वो जो सोल्डर लगा हुआ है वो रिमूव कर लेंगे। देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से आपको वो निकाल लेना है। अगर ज़्यादा फोर्स किया तो जो प्रिंट आउट है वो भी निकल सकती है। फिर प्रिंट आउट निकलने के बाद हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा उसको बनाने के लिए। ठीक है, एकदम हल्के हाथों से आप उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स करना ही नहीं, और ज़्यादा फोर्स करोगे तो फिर पिन डैमेज होने की ज़्यादा संभावना रहती है। देखिए, एकदम हल्के हाथों से करना है। अभी उसके बाद उसको थिनर की मदद से साफ करेंगे तो देखिए हमारी पूरे फुटप्रिंट है अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। अभी क्या करेंगे, हम टिश्यू पेपर की सहायता से उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। जैसे देखिए, अभी एकदम हमारे जो मदरबोर्ड के फुटप्रिंट है वो अच्छे से क्लीन दिख रहे हैं। आप उसको हाथ लगा के चेक भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा कुछ उसके ऊपर सोल्डर वायर रहा होगा तो आप उसको निकाल सकते हैं फिर से वही प्रोसेस करके। ठीक है, अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आईसी को अलाइनमेंट करेंगे। देखिए, अभी आपको आईसी को ट्वीज़र की सहायता से अच्छे से अलाइनमेंट कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, अभी देखिए आईसी को अलाइनमेंट करने के बाद ट्वीज़र्स की सहायता से उसको ऊपर से फोर्स कर लेना है और फिर बाद में चारों कोने में थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग वायर लगा लेना है आयरन की मदद से। देखिए, मैंने अब दो साइड को लगा लिया है। अभी बाकी दो साइड जो बची है उसको हम थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो आईसी है प्रॉपर उस जगह पे फिट हो जाएगी। देखिए, अभी इस साइड लगा लेंगे, थोड़ा सा ही लगा लेना। अगर वो जॉइंट होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम वो जॉइंट बाद में फिर निकाल सकते हैं। उसको थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद हमारे वो जो जॉइंट है वो आसानी से निकल सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी देखिए, मैंने चारों भी कोने को थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर दिया है। अभी उसके बाद हम दोनों साइड में पेस्ट लगा लेंगे, जिससे क्या होगा, जब हम उसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन से उसको ये करेंगे, सोल्डर लगाएंगे, तो हमारे पूरे लेग ऑटोमेटिक सब एक ही टाइम में लग जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देखोगे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो छोटी आईसी है
24 लेग की, जिसका वीडियो मैंने पहले ही YouTube पे डाला हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। ऐसे ही वीडियो में अभी आगे जाके बड़े बड़े जो लेग रहेंगे आईसी को, 100 लेग, 150 लेग, ऐसी लेग वाले आईसी के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको आईसी लगाने में कोई दिक्कत ना हो सके। तो अभी हम इसको सोल्डर करेंगे। देखिए, थोड़ा सा आपको सोल्डर वायर लेना है आयरन के ऊपर, वो ये देखिए, सिर्फ एक तो लगाने के बाद देखिए पूरे लेग एक साथ ही हमारे कनेक्ट हो चुके हैं मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब वैसे ही हम दूसरे साइड भी करेंगे। अभी जो रहा होगा एक दो पिन जो आपस में चिपकी होंगी, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और पेस्ट लेंगे और आयरन की सहायता से उसको निकालने की कोशिश हम करेंगे। तो आप देखिए कि ये पूरे लेग हमारे अच्छे से लग चुके हैं, उसमें कोई भी पिन आपस में जुड़ी हुई नहीं दिख रही है। अभी ऐसे के पूरे लेग तो लग चुके हैं, अब इसको हम क्लीन कर लेंगे थिनर की मदद से। अच्छे से पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे हमने जो पेस्ट और थिनर लगाया है वो पूरा आईसी के ऊपर कोई नहीं रहेगा, चिपका नहीं रहेगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए अभी आईसी कितनी हमारी एकदम नई जैसी दिख रही है, पूरे लेग उसके मदरबोर्ड के ऊपर अच्छे से सोल्डर हो चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पूरे लेग एक नंबर सॉलिड सोल्डर हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक एक लेग को हम चेक करके आपको दिखाएंगे, जो भी लेग रहा होगा उसको फिर से सोल्डर कर देंगे। देखिए कितने प्रॉपर और सही तरीके से पूरे जो लेग हैं फुटप्रिंट के ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। अभी हम एक एक लेग चेक करेंगे कि अच्छे से एक आधा लेग मिस तो नहीं होगा। तो चलो ट्वीज़र की सहायता से हम चेक करते। ओके 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 नहीं 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 ये थोड़ा इसको फिर से सोल्डर करना पड़ेगा, क्योंकि वो लूज कनेक्शन है एक लेग का। तो इसको हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे उसके ऊपर और उसको रिसोल्ड कर देंगे। देखिए थोड़ा सा ही पेस्ट लगा लेना है उसके ऊपर और उसको फिर से रिसोल्ड कर देंगे, तो वो अच्छे तरीके से फिर से प्रॉपर सेट हो जाएगा उसकी जगह पे। थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर उसको लगा लेंगे, तो हमारा जो आईसी का एक लेग लूज कॉन्टैक्ट था वो अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा मदरबोर्ड के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो चुका है। वैसे ही हम अभी उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, तो देखिए वो फिर से लेग हम ट्यूजर की सहायता से चेक करेंगे कि वो प्रॉपर सेट हो चुका है कि नहीं। तो चलो अभी हम उसको चेक करते हैं। जो कि एक लेग लूज कॉन्टैक्ट दिखा रहा था वो अभी प्रॉपर से बोर्ड के ऊपर कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे साइड के भी आईसी के पूरे लेग ट्वीज़र की सहायता से एक एक चेक कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, अगर कोई और भी लेग जो आईसी का है अगर लूज रहता है तो उसको हम फिर से रिसोल्ड कर देंगे। अभी एक साइड की आईसी तो प्रॉपर हो गई है,
उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अभी चलो ये जो बाजू वाले लेग है उसको पूरे हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके 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 यह ओके। हमारे आईसी के जो 54 लेग है वो पूरे ही ठीक तरह से सोल्डर हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कि हमने आईसी को किस तरह से बोर्ड के ऊपर लगाया। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है, ठीक है।